रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया ने एक अपने ही हेलीकॉप्टर को लेकर भारी चूक बताते हुए कहा कि दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। 27 फरवरी को जम्मू कश्मीर के बड़गाम में पाकिस्तान के साथ हवाई संघर्ष के दौरान वायुसेना ने अपने ही MI-17 V5 हेलीकॉप्टर को मार गिराया था, जिसमें वायुसेना के 6 जवानों और एक आम नागरिक की मौत हो गई थी। अब वायुसेना की योजना इस तरह की खामियों को दूर करने के लिए अपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने की है। 27 फरवरी को भारतीय वायुसेना को लगा था कि पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा में आ गया है, जबकि भारतीय वायुसेना के हर फाइटर जेट हेलीकॉप्टर लॉजिस्टिक सपोर्ट हेलीकॉप्टर पर पहचान के लिए चिन्ह अंकित होते हैं। श्रीनगर के पास तैनात वायुसेना के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने हेलीकॉप्टर की भनक लगते ही स्पाइडर एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली से MI-17 V5 को निशाना बनाया और पलक झपकते ही हेलीकॉप्टर जमीन पर मलबे में तब्दील हो गया। पहले इस हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान द्वारा गिराए जाने की खबर आई, इस पर पाकिस्तान ने सफाई दी। बाद में भारतीय वायुसेना ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का गठन किया। अब एयर चीफ मार्शल का कहना है कि जांच पूरी हो गई है। वायुसेना के अधिकारियों ने कहा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना के लिए जिम्मेदार 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। इसके अलावा 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट मार्शल जैसी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर को वायुसेना की ही मिसाइल से गिराए जाने की घटना ने सवाल पैदा कर दिया है। सैन्य सूत्र भी इसे बहुत गंभीर घटना मान रहे हैं। यह वायुसेना के वॉर रूम और कमांड एंड कंट्रोल प्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल ने वायुसेना की चूक मान ली है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में इस तरह की गलती नहीं होगी, लेकिन सैन्य इतिहास में एक बड़ी लापरवाही माना जाएगा। सूत्र के मुताबिक ऑपरेशन बालाकोट भारतीय वायुसेना के खाते में दर्ज एक बेहतर सैन्य ऑपरेशन है, लेकिन सैन्य समीक्षा में इसे अच्छा ऑपरेशन नहीं कहा जाएगा। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद हुए ऑपरेशन बालाकोट और उसके बाद युद्ध जैसे हालात से निपटने के प्रयास में भारतीय वायुसेना ने कई सबक लिए हैं। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ऑपरेशन बालाकोट के बाद बनी सैन्य टकराव की स्थिति के हीरो हैं, लेकिन विंग कमांडर द्वारा भारतीय फाइटर प्लेन के साथ भारतीय सीमा को पार कर पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करना, पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को हिट करना और इसके बाद उनका पाकिस्तान के क्षेत्र में पैराशूट से उतरना भी एक सबक माना जा रहा है। वायुसेना इसके सभी पहलुओं पर व्यापक अध्ययन करने के बाद अपनी ऑपरेशनल क्षमता को धार देने में लगी है। बीते 30 सितंबर को वायुसेना प्रमुख के तौर पर पदभार संभालने वाले भदौरिया ने अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा कि घटना में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया था, जिसने अपनी जांच पूरी कर ली है और यह सामने आया है कि हेलीकॉप्टर वायुसेना की अपनी ही मिसाइल की चपेट में आ गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।